तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सोमन मेकर और आप देख रहे हैं सोमन मेकर एक टीजर रिपेयरिंग चैनल। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास एक लूबी मोटर आया है। पहले भी हमने वीडियो इसमें इसको डाल के रखा है। दोस्तों, ये जो खेत में यूज़ होता है, ये दोस्तों अलग किस्म की लूबी जो कंपनी ने बनाया है, अलग किस्म की, अलग तरीके के बनाया है। क्योंकि ये जो अंदर का जो स्टेटर है, देख सकते हैं, ये एक दो बहुत छोटा है, और ये एक दो बहुत छोटा है। इसमें दो दो, इस तरफ दो, इस तरफ दो, सार ऊपर नीचे, सार जो को खासा जो देख रहे हैं, सार यानि आठ खासे, इस तरफ दो, इस तरफ दो, यानि आठ स्लॉट छोटा रखा है। और एक दो तीन चार, इसमें सर, इसमें सर, इसमें सर, इसमें सर, आठ आठ सोलह सोलह एकदम सेम रखा है। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज यही है, अगर आपके पास इसका मान लीजिए 22 नंबर वायर या 23 नंबर डबल वायर या 22 नंबर डबल वायर है इस मोटर का बेंडिंग, तो आसानी से तो कर सकते हैं। अगर इसमें 22 नंबर 23 नंबर नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि ना 20 नंबर वायर के साथ हमने जो मोटर बनाते हैं, लूबी मोटर या उषा मोटर या कोई भी खेत का मोटर, तो वो 20 नंबर डबल वायर इसमें भी मार सकते हैं और सिंगल वायर भी मार सकते हैं। स्टार्टिंग सिंगल वायर, डबल वायर रनिंग, कैसे? पहले तो दोस्तों, दो 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 स्टार्टिंग का दो कॉइल इसमें था, दो दो या चार पार्ट इसमें था, टू पुल का मोटर। और रनिंग का दोस्तों चार चार आठ कॉइल था टू पुल की। तो दोस्तों, इसमें वो तो अब गैस का नंबर अलग हो गया है, अभी इसमें डालना है हमको 20 नंबर। 20 नंबर चलेगा या नहीं चलेगा भाई, ये हीट होगा या आरपीएम इतना मोटर वाइब्रेट होगा या जल जाने का चांसिंग है, वायर गर्म होगा, ऐसा मत सोचिए, कुछ भी नहीं होगा इसमें। कि पहले से बेहतर रन होगा ये मान सकते हैं आप, क्योंकि 100% हम शेयर देते हैं इसमें, 100% गारंटी देते हैं। ये 20 नंबर वायर कॉपर वायर के साथ आप बनाइए, पहले जो कॉइल की लंबाई है थोड़ा सा लंबा रखिए, और इसमें कॉइल आएगा वो चार चार पहले पार्ट बैठाया था, आप उसका कैलकुलेशन पूरी तरह से छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिए। इसमें पास कॉइल पास पास 10 कॉइल बिठाना है रनिंग का, और स्टार्टिंग का कितना वो हम बाद में बताएंगे। इसमें टर्न कितना कितना होगा वो हम बता देते हैं आपको। ये दो जो छोटे वाले स्लॉट है ये दोनों हम छोड़ देते हैं, और दूसरे स्लॉट स्लॉट में हम जाते हैं। दूसरे स्लॉट में जाएंगे हम 12 टन डालेंगे इसमें, सॉरी 12 टन नहीं, इसमें हमने कॉइल बना कर रखा है 12 टन ही है, 12 टन डालेंगे इसमें। इसमें 19 टन डालेंगे, इसमें भी 19 टन डालेंगे, और इसमें भी 22 टन डालेंगे, इसमें 15 टन डालेंगे डबल ओवर के साथ। तो बनाकर देखिए, इतना बेहतर रन होता है, हीट भी नहीं होता, और पानी इतना ज़बरदस्त खींचता है, क्या बताओ दोस्तों। पहले हमने एक वीडियो डाला था, वो 18 टन या 12 टन या 22 टन 15 टन ऐसे ही डाला है। सिर्फ दो कॉयल में टन ऐसा हो गया, दो कॉयल में टन ऐसा हो गया है, सिर्फ एक एक टन ज़्यादा डालिए, और कॉयल का लंबाई थोड़ा सा बढ़ा कर रखिए। 20 नंबर वायर से इतना मज़ेदार चलता है, क्या बताओ दोस्तों। इसीलिए हम सोच रहे हैं क्यों ना दोस्तों के साथ ये डाटा शेयर किया जाए। तो दोस्तों, हम इसको बनाकर हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास कॉयल भी रेडी है, देख सकते हैं। इसमें 12 टन है बंडल को, तो इसमें 19 टन है, इसमें भी 19 टन है डबल ओवर के साथ दोस्तों।
इसमें 22 टन है, इसमें 15 टन है। आप सोच रहे हैं सिंगल वायर होगा, नहीं, ये देखिए दोस्तों डबल वायर की साथ, 20 नंबर कॉपर वायर आरआर कंपनी की है, क्योंकि और कंपनी खेतन से होता तो बहुत अच्छा, आरआर और भी अच्छा। और इसमें अगर आरआर खेतन से बनाइए बहुत सॉफ्ट होगा मोटर, और रन भी बहुत अच्छी चलेगा, हीट भी नहीं होगा। अगर 220 या 230 वोल्ट देंगे तो 280 वोल्ट से मोटर चल रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत बढ़िया चल रहा है दोस्तों, क्या बताऊँ। और उसका तो टर्न हमने दो कॉयल में एक एक टर्न हमने कम डाल के रखा है, तो भी अच्छी तरीके से चल रहा है। और इस सीजन में दोस्तों हम इसी डाटा से हम मोटर बना दे दिया है, और उस भाई को तो कहना है इतना सुंदर चल रहा है, कम वोल्टेज में चलता है, ज़्यादा वोल्टेज में भी चलता है, इतना पानी मरता है कम वोल्टेज में जितना ही है, ज़्यादा वोल्टेज में उतना ही है, हम कन्फ्यूज यही है क्या बोल रहा है ये। तो दोस्तों हम खुद जाके उस खेत में जाके हम दिखा है 280 की 180 वोल्ट में चल रहा है, हम मल्टीमीटर से चेक कर दिया, तब जाके हमको यकीन आया नहीं सही चल रहा है। 3.5 इंची है तो 3.5 इंची 3 इंची इसका ऊपर, 8 इंची लास्ट वाला कॉइल, तो देखिए कितना शानदार चलने वाला है। तो हम पहले इसको कॉइल को हम कंप्लीटली डाल देते हैं, दो पार्ट हमारे सामने तैयार होके कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हम इसको बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों हमारा बेंडिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अभी दोस्तों इसमें पास कॉइल डाल के रखा है हमने। अभी दोस्तों सोच रहा है ये रनिंग कॉइल कैसे डालेंगे, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, इसमें पास कॉइल इस तरफ डाला हुआ है, एक सेट पास कॉइल का, एक सेट पास कॉइल इस तरफ डाला हुआ है, पास कॉइल का एक सेट। और दोस्तों हमने यहाँ पे वायर नहीं लगाएंगे, यही वायर हम बाहर निकालेंगे, और तो स्टार्टिंग के कॉइल हम बारे में बता देते हैं, वही 20 नंबर कॉपर वायर सिंगल वायर की साथ बनाएंगे। पहले टर्न हम डालेंगे इसमें 10, इसमें 15, इसमें 15, इसमें 20, इसमें 30, इसी तरह हम कॉइल को बनाते चलेंगे। और कॉइल का साइज थोड़ा लंबा है, यानी इसमें इसके बराबर है, दोनों तरफ एकदम बराबर है। तो फटाफट हम स्टार्टिंग कॉइल बनाकर तैयार करते हैं। हमारा पास वायर है और फर्मा भी जिस सेम का हमने बनाया था पहले, उस सेम ही हम बनाएंगे इसमें, क्योंकि पहले भी हमने डाला है पास कॉइल, इसमें भी पास ही कॉइल डालना है, तो इसको बनाकर हम डालकर हम कंप्लीट करके हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने जो मोटर बेंडिंग किया था, वो जो स्टडिंग का कॉइल बिठाना बाकी रह गया था, तो हमने पास कॉइल डाला हुआ है, स्टडिंग पास रनिंग पास कॉइल के ऊपर कॉइल आया है, तो देखिए फिनिशिंग की कोई कमी नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आया है। तो दोस्तों इसमें दिखा दूँ आपको, इसमें एक नंबर कॉइल छोटा वाला गया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा ये पास, वैसा ही रनिंग कॉइल हमने डाला है और स्टडिंग भी वैसा ही डाला है। तो इसमें सोच रहे होंगे क्योंकि इसमें ये 20 नंबर वायर रनिंग स्टडिंग कैसे आया है, और क्या यह मटर रेजिस्टेंस सही निकलेगा या नहीं, तो वो भी हम आपको मीटर से चेक करा कर देते हैं, जो हर कोई अगर सोच रहे हैं लंबा ज़्यादा होगा, नहीं भाई लंबा उतना ज़्यादा नहीं, जैसे मोटर
जैसा हम बनाते हैं वैसे ही इसमें कॉइल की लंबाई यानी थोड़ा सा लंबा है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जो सिरा बाहर निकल के आया है ये डबल वायर की और इस सिंगल वायर की, ये डबल वायर की। तो इसमें हम मीटर मार के हम आपको दिखाते हैं, इसमें कैमरा को हम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए ये दोनों एक एक कॉइल हम पकड़ लेते हैं पहले। तो दोनों वायर को एक साथ हम पकड़ते हैं। दोस्तों इसमें टू नहीं वन आएगा, रेस्टन वन ओम्स दिखाएगा, वन ओम्स दिखा रहा है। और स्टार्टिंग की जो कॉइल है उसमें दोस्तों टू ओम्स दिखाएगा। टू ओम्स कह रहा है और इसमें वन ओम्स ही दिखाएगा। वन ओम्स दिखाएगा देखिए हम मीटर को चेंज कर लेते हैं। मीटर गलत दिखा रहा है। हमारे पास और एक मीटर है, ये भी वैसे ही दिखा रहा है, यानी इसका जो वायर सेक्शन है ये थोड़ा कर्पन लग गया है। तो इसी हिसाब से हम पहले मीटर ले लेते हैं। ये शांत की मदद से ये सुई लगाया हमने मीटर की, वो मोबाइल रिपेयर के काम में आता है। और हालांकि मोबाइल का वीडियो हम उतना नहीं बनाते क्योंकि तो इसमें टाइम उतना मैच नहीं होता है। मोबाइल का काम पे ये मीटर हम यूज करते हैं। अभी सही आ रहा है। वो नहीं दिखाता है दोस्तों, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये इसमें तो टू आ रहा है, लेकिन इसमें टू आ रहा है लेकिन इसमें ओनो आ रहा है, इसमें ओन ही आता है। कभी कभार आपने मोटर बाइंडिंग किया तो खेत की जो मोटर है, खेत में जो यूज होता है वो लगभग वन ओम्स ही आता है रनिंग की। किसी किसी मोटर में ऐसे ही यही मोटर पे अब दो ओम्स आता है। वैसा वाला वायर नहीं लगाया हमने क्योंकि 20 नंबर बहुत मोटा है और इसका जो स्लॉट में है वो स्लॉट बहुत
8 स्लॉट छोटा है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे दोस्तों ऐसा वायर लगा के रखा है हमने, क्योंकि इसमें कनेक्टर आएगा। बहुत बढ़िया फिनिशिंग आया है, इस तरफ बर्निश दिया हुआ है, उस तरफ अभी तक आया नहीं बर्निश। तो ये था वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बता देना। और इस डाटा को आप इसी मटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट इसका खुद ही जान सकते हैं, खुद ही बना के। ये मोटर का जो हालांकि इसमें मिट गया है, कई कई लिखा नहीं है इसमें, तो कम्प्लीटली बांध के हम बर्निश कम्प्लीटली मार दिया है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।